उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का गांव कोटवा। लखनऊ से महज 100 किलोमीटर दूर कोटवा गांव ने इस साल जैसी ईद मनाई है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इस साल पहली बार ईद की रात गांव के घर रोशनी से जगमगा रहे थे। पहली बार गांव के बच्चों ने बल्ब चमकते देखा। पहली बार बुजुर्गों को तपती गर्मी के बीच पंखे की हवा नसीब हुई। आजादी के 70 साल बाद इस गांव में बिजली पहुंची तो बच्चों से लेकर बड़ों तक के चेहरे खुशी से चमक गए। इस गांव तक बिजली के तारों को लाने की लड़ाई दशकों पुरानी है। कई सरकारें आईं और गईं, बिजली विभाग के दफ्तरों के अधिकारी और बाबू भी बदल गए, लेकिन गांव की किस्मत नहीं बदली। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौभाग्य योजना ने गांव की दहलीज पर दस्तक दी और देखते ही देखते पूरा नजारा बदल गया। 70 साल बाद ये हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। यहाँ डायरेक्टर एस के सिंह जी आए, उनके द्वारा यहाँ पर लाइट का उद्घाटन हुआ। गांव में बिजली पहुंची तो पहली बार ट्रांसफार्मर, बिजली के मीटर और दूसरे उपकरण देखने के लिए गांव वालों की भीड़ जुट गई। इस गांव से उठी आवाज को सुन खुद नीति आयोग के निदेशक एस के सिंह ने खुद गांव का दौरा किया था। उसके बाद तो यहां बिजली पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। अब गांव में कैंप लगाकर सौभाग्य योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। जी अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले तो लगता था कि हम लोग भारत के नक्शे में है ही नहीं, हमारा गांव ही नहीं है, ऐसा लग रहा था, लेकिन अब तो काफी खुशी है। अंधेरे को दूर करता रोशन बल्ब, गर्मी भगाता पंखा, ये सब इस गांव के लिए सपने जैसा था। बच्चों ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि लालटेन के बगैर भी पढ़ाई की जा सके। सब लोग लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे, अब लाइट में पढ़ सकते हैं। गांव में बिजली आने के बाद से अब कोटवा के लोगों की उम्मीदें सातवें आसमान पर हैं।